वेलकम टू मीट नाउ। मीट नाउ में इस टाइम हम लोग देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग पार्ट्स। उसी में हम लोगों ने एक पहले वीडियो देखा है सेल मेम्ब्रेन का, अगर आपसे मिस हुआ है मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ। अब हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है सेल वॉल का। अब सेल वॉल क्या होती है, जैसे जनरली कोई भी सेल, ठीक है, लेट्स जस्ट व्यू, ये एक सेल है। सेल वॉल इसके ऊपर एक सख्त यानी कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो कि इसको बहुत अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करती है, साथ ही शेप देती है। तो ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है, ठीक है, प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो आउटर कवरिंग की बात हम कर रहे हैं, इट इज नॉन लिविंग, ठीक है, पहली बात नॉन लिविंग है। तो ये इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती हैं, साथ ही साथ एल्गी में और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है कंटेंट में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सेल वॉल के हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये परफॉर्म क्या करती है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस। अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला है इट गिव्स शेप टू द सेल। हम लोग देख चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है काफ़ी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड नेचर है उसका, तो एक प्रॉपर शेप जो होता है वो सिर्फ सेल वॉल की वजह से आता है, राइट। तो सेल वॉल का पहला फंक्शन है कि वो सेल को प्रॉपर शेप देती है, ठीक है। सेकेंड, सेल वॉल जो है सबसे बड़ी चीज होती है कि इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शंस। जो आसपास के आपके सेल्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करने में भी सेल वॉल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शंस। नेक्स्ट, अगर कोई भी कवरिंग होगी, ठीक है, अगर कोई भी किसी भी चीज़ की कवरिंग होगी तो वो हेल्प करेगी बचाने में। तो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज यानी कि मैकेनिकल डैमेज वो होता है जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल टू सर्फेसिस साथ में है, ठीक है, अगर ये रगड़ जाएंगी तो दिस विल बी अ मैकेनिकल डैमेज। जैसे आपकी गाड़ी होती है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और टकरा जाती है, तो दैट इज योर मैकेनिकल डैमेज। तो ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस, यानी कि जो अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं, अगर हम प्लांट्स में भी देखें बहुत सारी डिजीजेस हैं, तो उन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम भी जो आपकी सेल वॉल है वो करती है, ठीक है। एक जो चौथा फंक्शन हम इसका देखेंगे वो है कि जो भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको ये एंट्री करने नहीं देती, तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर। क्या है, एक्ट्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कोई भी ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो वो नहीं चाहते कि वो प्लांट के अंदर आए, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल की एंट्री वो स्टॉप कर देती है, वो बैरियर बन जाती है, ठीक है। तो ये चार बेसिक फंक्शंस हैं जो कि आपकी एक सेल वॉल परफॉर्म करती है। सेल वॉल हमने देखा कि आउटर कवरिंग है। सेल वॉल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब सेल यंग होता है तब एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है, जैसे जैसे वो सेल ग्रो करता है ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती जाती है और उसकी जगह एक सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है जो कि इनर मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास की मेम्ब्रेन है वहाँ पे ग्रो होती है। एंड दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज वेरी स्टर्डी, वेरी स्ट्रांग, जैसे कि हमने बात की। अब अगर हम बात करें, पहले हम देखते हैं एल्गी में, ठीक है, एल्गी में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। अगर हम बात करें, देखिए सेल वॉल जो है आपकी एल्गी में एंड प्लांट्स में पाई जाएगी, राइट। तो यहां पे एल्गी में कंपोनेंट्स क्या है, सेल्युलोज, राइट, गैलेक्टेंस, थर्ड आपके मैनन्स,
एंड लास्टली मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपके एल्गी में पाए जाएंगे, ये सेल वॉल के आपके कंपोनेंट्स हैं। वहीं अगर हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। प्लांट में क्या होगा, प्लांट में सबसे पहले देखिए सेल्यूलोज दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन प्लांट में और भी चीजें हो जाएंगी जैसे हेमी सेल्यूलोज, साथ ही पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये चार कंपोनेंट्स जो हैं ये आपके प्लांट में देखे जाएंगे, एल्गी के अलग होंगे। इसके अलावा एक मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला का काम होता है कि जो सेल्स हैं आप देखे होंगे, अगर हम बात करें इस तरीके से है, ठीक है, तो ये जो सेल को ग्लू करके रख रही है, जो होल्डिंग प्रॉपर्टी है, ये मिडिल लैमेला की होती है। साथ ही मिडिल लैमेला जो होती है वो सेल वॉल और मतलब एक तरीके से जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो इनके थ्रू होके पास होती है, जिसमें सारे सेल्स होते हैं। तो ये मिडिल लैमेला का काम है कि सेल्स को होल्ड करके रखना, ग्लू करके रखना। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी देखी सेल वॉल। सेल वॉल में तीन चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। सबसे पहले इसके फंक्शंस, कितने फंक्शंस हैं, चार फंक्शन। पहला गिव्स शेप टू सेल वॉल, सेकेंड हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, थर्ड प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस, और लास्टली एक्ट्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेकेंड वॉल जब सेल यंग होता है तब होती है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल आती है इट इज टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ को, इट इज वेरी स्ट्रांग एंड स्टर्डी। नेक्स्ट हमने कॉम्पोनेंट्स देखे, एल्गी में कौन से हैं, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स। मिनरल्स किस टाइप के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट टाइप के, ठीक है। प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमने बात की मिडिल लैमेला की, क्योंकि मिडिल लैमेला जो सेल्स होते हैं उनको ग्लू करके होल्ड करके रखती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं, ठीक है। सो फटाफट अब ये आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एनसीईआरटी से, रीडिंग कर लीजिए प्रॉपर, इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व कर लीजिए। एज आई ऑलवेज से, कोई प्रॉब्लम है हमें कॉन्टैक्ट करिए कमेंट्स में या सोशल मीडिया, जिसकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे जो मैं आपको सेल के आगे की जो कंपोनेंट्स पढ़ाने वाली हूँ वो आप मिस कर लेंगे, दैट्स बेटर आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।